हेलो एवरीवन, मैं योगेश सुपर विल्स कानपुर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश ऑटो वर्ल्ड में। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो टायर से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 10,000 किलोमीटर इसका पूरा हो चुका है, तो दोस्तों इसका हम टायर रोटेशन करेंगे। दोस्तों, हमारे कस्टमर भाइयों का कंप्लेंट रहता है कि हमारा राइट का टायर घिस जा रहा है, कभी लेफ्ट का टायर घिस जा रहा है, तो कभी आगे का टायर घिस जा रहा है। दोस्तों, अगर हम सही समय से टायर का अदला बदली कर देते हैं तो टायर लंबे समय तक चलेगा, हमारे कस्टमर भाइयों का अच्छा खासा खर्चा बच जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है टायर अदला बदली करने के समय। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है। दोस्तों ये टायर अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा घस जाता है तो लेफ़्ट या राइट में हम लोग स्टीयरिंग ज़रा छोड़ते हैं तो लेफ़्ट या राइट जाने लगती है। दोस्तों, हमें सबसे पहले पीछे का टायर यानी लेफ़्ट साइड का टायर खोल लेना है और इसे हमें फ्रंट यानी आगे फिट कर देना है। आगे टायर फिट हो चुका है, अब हम लोगों को जो आगे का टायर है यानी फ्रंट का टायर, उसे ले जाना है राइट साइड में। दोस्तों, अभी राइट साइड में आगे वाला टायर लगा दिया जाएगा, इससे होगा कि सारे टायर बराबर से घिसेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें स्टेपनी निकाल लेनी चाहिए। स्टेपनी हमारा जो है वो लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारा राइट वाला टायर है उसे हम स्टेपनी में रख देंगे और जो स्टेपनी वाला टायर है दोस्तों उसे हम लगा देंगे लेफ़्ट साइड में लगा देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये जानकारी हो रही है।